आज की रेसिपी है वेजिटेबल सूप और इसे हम कुकर के अंदर पकाने वाले हैं। बहुत ही कम समय में झटपट बन के तैयार हो जाता है। वेजिटेबल सूप सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इससे हम सभी सब्जियों को मिलाकर बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए देख लेते हैं कि वेजिटेबल सूप बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आधी कटी हुई हरी शिमला मिर्च ली है, एक कटा हुआ गाजर, एक चौथाई कप कटी हुई पत्ता गोभी, 10 मैंने हरी बीन्स को काट लिया है, 2 बेबी कॉर्न कटे हुए। अगर आपके पास बेबी कॉर्न नहीं है तो आप स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, एक कटा हुआ टमाटर, एक चौथाई कप मटर, 2 इंच अदरक का पीस लेने के बाद उसके ऊपर का छिलका निकाल लिया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, 3 से 4 कटे हुए लहसुन के कलियाँ, आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर, 2 छोटे चम्मच घी, नमक चाहिए हमें स्वादानुसार और आधा छोटा चम्मच हम व्हाइट विनेगर का लेंगे। और सूप को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा लिया है और 4 कप हमें पानी चाहिए पूरा सूप बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कुकर को गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया। आप चाहे तो घी के जगह पे बटर भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ लहसुन और साथ ही साथ किसा हुआ अदरक भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है, तो मीडियम फ्लेम पे इसे बस हमें 2 मिनट तक भून लेना है। तो लहसुन अदरक को मैंने यहाँ पे भून लिया है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सारी कटी हुई और धुली हुई ये सब्जियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हरी शिमला मिर्च और गाजर डाल दिया है, साथ ही साथ हमें इसके अंदर डालना है पत्ता गोभी, बीन्स डाल देंगे और बेबी कॉर्न, मटर डालेंगे और टमाटर। इन सारी सब्जियों को एक साथ मिलाते हुए 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। जब आप ये सारी सब्जियों को भूनते हैं तो इसके अंदर नमक डालना ना भूलें। तो यहाँ पे मैं बस आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ सब्जियाँ भूनते समय, मिला देंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा मैंने भून लिया है। इसके अंदर आप आपके पसंद के हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं। आप इसके अंदर मशरूम डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, फूल गोभी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं तो। पानी डाल देंगे 1 कप 2 कप और ये 3 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला देंगे। और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी होने तक पकने देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर के अंदर सारे सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पका लिया है। इसके अंदर का सारा प्रेशर निकलने के बाद ही इसे मैं खोल के देख रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी सब्जियाँ गल गई हैं। सब्जियाँ तो पक के अपनी यहाँ पे तैयार है। कुकर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना सारा पानी है, तो बस हमें ये सूप को गाढ़ा करना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से गैस ऑन करके पैन को गरम कर लिया है। इसके अंदर मैंने गेहूं का आटा डाल दिया, तो चम्मच लगातार चलाते हुए गेहूं के आटे को हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है लो से मीडियम फ्लेम पे। गेहूं का आटा भूनने के बाद अब हम इसका घोल बनाएंगे। तो कप के अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी और पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ गेहूं का आटा कुछ इस तरह से। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये जो मैंने 1 कप पानी लिया है ये ठंडा पानी है। अगर आप सेम इसी तरह से ये घोल बनाते हैं तो इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं रहते। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, इसे हमें अच्छी तरह से फेटते हुए मिलाना है ताकि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पे घोल बिल्कुल तैयार है सूप को गाढ़ा करने के लिए। गैस ऑन करके कुकर को मैंने फिर से गैस के ऊपर रख दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम है। अब हम ये जो घोल है जो हमने अभी बनाया इसके अंदर डाल देंगे और मिला देंगे। आधा छोटा चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच हम व्हाइट विनेगर डालेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास थोड़े से पुदीने के पत्ते, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इसका। सूप को हमें फिर से 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है क्योंकि हमने इसके अंदर जो गेहूं का आटे का घोल डाला था उसका कच्चा बना नहीं रहना चाहिए सूप के अंदर, इसलिए हमें इसे पकाना है। जैसे जैसे गेहूं का आटा पकने लगता है वैसे ही सूप गाढ़ा होने लगता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सूप बना है। गेहूं के आटे की जगह पे आप 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के ले सकते हैं। यहाँ पे अपना सूप पक्के और गाढ़ा होके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम एक सर्विंग बोल के अंदर निकाल लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने सूप को एक बोल के अंदर निकाल लिया है। ये सूप को आप आपके टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। जो आपको सब्जियाँ खाना पसंद है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो नहीं खाना पसंद करते उसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर आप विनेगर, काली मिर्च, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपने तो देख ही लिया कि कुकर के अंदर कितना झटपट और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। ये सूप ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। और आप सबको पता ही है कि वेजिटेबल सूप कितना पौष्टिक रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी सब्जियां डालते हैं। इसे छोटे बड़े सभी पी सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए। आप इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आपके स्क्रीन के ऊपर दी गई मेरी अलग अलग रेसिपी के लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं।